नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटाटा पोहा, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसका टेस्ट यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मोटा वाला पोहा लिया है। बटाटा पोहा बनाएं या फिर नॉर्मल पोहा भी बनाएंगे ना, तो पोहा मोटा वाला ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग पोहा ले लिया है। जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उस क्वांटिटी में पोहा कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे डालना है एक बाउल में और फटाफट से इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डाल करके हमें इसे अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि फ्रेंड्स पोहा जो होता है ना उसमें काफ़ी सारी गंदगी होती है, तो डायरेक्ट हमें नहीं बनाना है। बस इस तरीके से हमें दो बार के करीब इसे धो लेना है। और आप देख सकते हैं ऊपर कितना ज़्यादा माड़ आ गया है। फ्रेंड्स चावल या फिर पोहे में इस तरीके से स्टार्च होता है जिसे माड़ कहते हैं, उसे हमें निकाल देना है, और इसमें काफ़ी सारी गंदगी भी होती है वो भी निकल जाती है। तो अब इस तरीके की चलनी ले लेंगे और नीचे एक बाउल रख दिया है, और जो भी इसमें पानी होगा ना वो निकल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगी ना, इसे एक से दो बार बढ़िया से धोऊँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। और जब हम दो से तीन बार इसे धो लेते हैं ना, तो पोहे में अच्छे से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें इसे भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, हमने दो से तीन बार इसे बढ़िया से धो लिया है, और अब हम इस पानी को हटा देंगे और एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे जिसमें जो भी एक्स्ट्रा का पानी हो वो निकल जाए। इस तरीके से कांच का कंटेनर लिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। भिगोना वगैरह कुछ भी नहीं है, धोने में ही फूल जाएगा। अब फटाफट से करते हैं आगे की तैयारी। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे डालेंगे मूंगफली के दाने। तो फ्रेंड्स ये मूंगफली के दाने ना देसी मूंगफली के दाने हैं। मेरे यहाँ गांव से मूंगफली आती है कच्ची वाली, तो मैं इस तरीके से छील करके धूप में सुखा करके रख लेती हूँ, इसीलिए हल्का आपको इनका कलर वाइट लग रहा होगा। तो ये देसी मूंगफली है, तो जो गाँव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है। जब तेल में से ये चटकने लगेंगी इस तरीके से आप देख सकती हैं, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए भून लेना है। तो ये अंदर तक बढ़िया से फ्राई हो जाती है। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो ये एक तरफ पकेगी और दूसरी तरफ से पकेगी नहीं। तो बस इस तरीके से एक दो सेकंड भी नहीं लगता है, मूंगफली अच्छे से भून जाती है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम पोहे में मूंगफली डालते हैं ना तो खाने में टेस्टी लगती है। अगर भुनी मूंगफली हो तो आप ये प्रोसेस मत कीजिएगा। चलिए फटाफट से अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग पोहे में जीरा नहीं पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ, लेकिन आप डाल करके देखिए इससे बहुत टेस्टी बनता है। साथ में डाल दी है मैंने राई यानी मस्टर्ड सीड, और अब मैं इसमें डालूंगी करी लीव्स। तो फ्रेंड्स मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो हरा करी लीव का प्लांट जो मेरा था ना वो सूख गया है, तो इस तरीके से मैं सुखा करके करी लीव्स को फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो ड्राई मतलब करी लीव्स है, फ्रेश लेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, और प्याज को भी हम इस तरीके से ऐड कर देंगे, और एक दो सेकंड प्याज को भी हमें अच्छे से सौते करना है। ज़्यादा कलर वगैरह चेंज ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हल्की सी प्याज की मिठास लगती है ना पोहे में वो बहुत अच्छी लगती है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, हल्का सा प्याज सौते हो जाए और इसका जो है सॉफ्टनेस बनी रहे, यानी मिठास भी बनी रहे और प्याज हल्का सॉफ्ट रहेगा ना तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। साथ में हरी मिर्च ले ली है, और हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें तीखा तो कुछ डालेंगे नहीं, हरी मिर्च का ही तीखा फ्लेवर आएगा। और फटाफट से अब मैंने यहाँ पे लिए हैं दो मीडियम साइज़ के आलू। इन्हें मैंने जैसे नॉर्मल कट किया जाता है उसी तरीके से कट किया है। फ्रेंड्स हम बटाटा पोहा बना रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसमें जो है आलू ज़रूर डालेंगे। प्याज भी हमने डाल दिया है, और आलू डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे ना सुबह नाश्ते में या फिर शाम को छोटी मोटी भूख में, तो आलू की क्वांटिटी डालेंगे ना पोहा आलू बहुत ही गजब का लगता है, और भूख भी इससे काफ़ी शांत होती है। तो आलू डाल के मिक्स कर लिया, कवर कर देंगे, और कवर करके हम आलू को अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि आलू पकाना बहुत ज़रूरी है।
तो इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था। वाओ, आप देख सकते हैं प्याज इसीलिए मैंने पहले कम पकाया था क्योंकि आलू के साथ में भी हमें प्याज को पकाना था। तो आप इनका कलर देख सकते हैं, हल्का सुनहरा हो गया है और आलू जब मैं इस तरीके से दबा रही हूँ तो अभी दब नहीं रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि तेल और आलू जब भुने ना तो हल्दी पाउडर भी भुनना, यानी कच्चा सा फ्लेवर ना आए। साथ में ये जल्दी पक जाए तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक एक बार ही डाल दीजिएगा, बार बार नमक नहीं डालना है। चलिए फटाफट से हल्दी और नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसे फटाफट से और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो फटाफट से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ही रखा है और अब हम इसे करेंगे कवर। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इन्हें पकने में, 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, उतने में ही ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। वाओ, आप देख सकते हैं मैंने पानी एक बूंद भी नहीं डाला है और आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं, प्याज भी बढ़िया पक गया है और हल्दी नमक भी अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए मैं आपको एक आलू तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत इजीली ये टूट रहा है, यानी आलू अच्छे से पक चुका है। चलिए अब हम डालते हैं इसमें पोहा। तो पोहा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला हो गया। 10 मिनट के लिए बस हमने इसे धो करके छोड़ दिया था और उतने में ही पोहा बहुत अच्छे से खिला खिला हो गया है। इसे भिगो के रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो ये मैशी सा हो जाएगा। जो पोहा हमारा बनेगा ना वो एकदम सॉफ्ट बनेगा, जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। पोहा तो वही है जो खिला खिला लगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ गया है और हल्दी हमने ऊपर से नहीं डाली है, पहले ही डाल दी थी। तो हल्दी अच्छे से पकी हुई है जिससे इसकी रंगत आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अच्छे से हमने इसे करा है मिक्स और अब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे चीनी, क्योंकि भाई पोहा खट्टा मीठा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चीनी डालेंगे, चीनी मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से इसमें हल्की सी खटास आएगी, क्योंकि मीठा भी हमने ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड किया था तीखापन के लिए। नींबू मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे नींबू ना हो तो आप सिट्रिक एसिड डाल दीजिएगा, उससे भी पोहे में खटास आ जाती है। फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल दुकानों में मिलता है ना पोहा, वो लोग नींबू का यूज़ नहीं करते हैं, वो इस तरीके से जो टाटरी आती है ना वो खटास के लिए होती है, वो इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हम फ्रेश बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं, तो नींबू का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़े से टमाटर मैंने ऐड किए, स्पेशली मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं पोहे में, तो मैंने ऐड किए हैं। फ्लेम चालू ही है और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें मिक्स करते जा रहे हैं और इसे बीच बीच में चलाते भी जा रहे हैं। कवर करना नहीं है, नहीं तो मैसी सा हो जाएगा। और साथ में मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, उन्हें भी मैंने अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा टमाटर और मूंगफली के दाने मैंने बचा लिए थे, हल्का सा ऊपर गार्निश करेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लीजिए हमारा पोहा बन करके बिल्कुल है तैयार। बस 1-2 सेकेंड के लिए इसे और खुला ही पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसमें चीनी डाली है और नींबू डाला है वो अच्छे से पोहे के अंदर तक समा जाए। तो लीजिए भाई हमारा पोहा बन करके बिल्कुल हो गया है तैयार। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो लीजिए भाई ये पोहा बन करके बिल्कुल तैयार है। सुबह बनाइए, शाम को बनाइए, बहुत ही डिलीशियस खिला खिला पोहा बन करके बिल्कुल है तैयार। तो आप इसमें हरा धनिया डालिए और फटाफट से इसे करते हैं सर्व, क्योंकि पोहा गर्मा गर्म खाइए या ठंडा खाइए, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो पोहा बन चुका है, तो फटाफट से इसे करते हैं सर्व, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है कंट्रोल और मैं तो चली इसे खाने, क्योंकि भाई स्पेशली मुझे पोहा गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। फटाफट से बनाओ और इसकी प्लेटिंग करो, खाओ। बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा बटाटा पोहा बन करके हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स ऊपर से मैंने मूंगफली के दाने थोड़े से बचा लिए थे, 2-4 दाने, और 2-4 दाने टमाटर के बचा लिए थे। तो मैंने इस तरीके से ऊपर से डेकोरेट कर दिया है, साथ में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। और अब लगा दूंगी मैं इसमें हरी मिर्च, अगर तीखा एक्स्ट्रा पसंद हो
तो मेरी तरह आप एक की जगह दो हरी मिर्च लगाइए और इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस, ठेले वाला ये बटाटा पोहा बन करके हो गया है बिल्कुल तैयार। तो जब भी आपका मन हो आप इस तरीके से ये बटाटा पोहा बनाइए। लेकिन मेरे अंदाज में आप भी कहेंगे कि क्या बात है, बहुत ही सुपर टेस्टी बना हुआ है। अगर आपको इसे और डिलीशियस बनाना है तो थोड़ी सी इसके ऊपर सेव रख दीजिए और भी डिलीशियस ठेले वाला पोहा बनके तैयार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।